नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। बीते दो माह से वेतन नहीं मिल पाने के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे वेटनरी कॉलेज के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों द्वारा कॉलेज के बाहर हड़ताल कर दी गई है। कर्मचारियों की मांग है कि उनका बीते दो माह का वेतन जल्द से जल्द दिलाया जाए। वहीं कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि एक दो दिन में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। रीवा शहर के कुठुलिया स्थित पशु चिकित्सा महाविद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने आज अचानक हड़ताल शुरू कर दी। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें बीते अगस्त माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों ने बताया कि लगातार यह तीसरा महीना शुरू हो चुका है जब उन्हें विभाग द्वारा वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते अब वह आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि एक ओर जहां सरकार हर दीपावली में कर्मचारियों को बतौर तोहफा एडवांस सैलरी देती थी, वहीं पशु चिकित्सा विभाग द्वारा बीते दो माह से सैलरी नहीं दी गई, जिसके चलते अब उनके सामने आर्थिक तंगी का माहौल निर्मित हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी वेतन नहीं दी गई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। बताइए किन मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन पे आप लोग? अभी अगस्त से हम लोगों को तनख्वाह नहीं मिली है, वेतन नहीं मिली, इसके लिए यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। जहाँ देखिए मध्य प्रदेश सरकार दिवाली के लिए एडवांस सैलरी दे रही है, यहाँ अभी पहले ही दो माह की नहीं मिली है एडवांस, तो दूर की बात है, उसकी तो चर्चा ही नहीं कर रहा कोई। कौन से विभाग में कार्य था आप लोग कॉलेज के? हम वेटनरी कॉलेज नाना जी दे पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा में कार्यरत हैं। इसके लिए आप और क्या प्रबंधन से बात हुई तो क्या क्या जवाब मिला आपको? प्रबंधन से कोई भी ऐसा विशेष वो नहीं मिला है, बस जवाब हमेशा ये कि दो चार दिन में मिल जाएगी। पिछले छः महीने दो चार दिन और पहले भी पिछली बार भी क्या हुआ, दो तीन महीने की पेंडिंग रही, उसमें से एक महीने की दे दिए, फिर इसके बाद फिर दो महीने पेंडिंग हो गए, तो छः सात महीने से ऐसे ही चल रहा है। इससे कोई जानकारी नहीं। कहीं आपने भेजा है ऊपर या यहाँ दिया है? नहीं, पत्र दिया है, सूचना दी है, ज्ञापन सौंपा है अपने पास। क्या मांग, क्या चाहते हैं आप अभी? हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो वेतन जो है समय पर मिले, जो सब लोग, क्योंकि सब लोग बाहर से रहते हैं तो पारिवारिक दायित्व भी होते हैं, वो कैसे होंगे आपके यहाँ? 25-30 लोग हैं यहाँ, और क्या नाम है आपका? और यहाँ सभी की, ऐसा नहीं है कि हम ही लोग हैं, 100-150 लोग जो भी कार्यरत हैं सभी की रुकी हुई है, बस ये है कि वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। किस श्रेणी कर्मचारी आप लोग? हम तृतीय श्रेणी कर्मचारी ना यहाँ। सिर्फ इसी कॉलेज का बस यही हाल है कि अन्य कॉलेज? नहीं, अन्य कॉलेज भी, तीनों कॉलेज में यही समस्या है। हाँ, पूरा मतलब विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय सभी में ये समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन पचौरी। वही पशु चिकित्सा महाविद्यालय का अधिष्ठाता डॉक्टर रंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों का वेतन जबलपुर विश्वविद्यालय से आता है, उनकी वहाँ बात हुई है। इस दौरान यह जानकारी दी गई है कि 20 या 21 तारीख तक सभी कर्मचारियों को वेतन दे दी जाएगी। सर, ये कुछ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, स्ट्राइक पे, इनकी सैलरी का कुछ इशू है, क्या वजह है अभी तक सैलरी नहीं आ रही? है क्या कि हमारे यहाँ जो भी वेतन तनख्वाह आती है वो जबलपुर से आती है। हमारा विश्वविद्यालय है नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर में स्थित है। सभी कर्मचारियों की तनख्वाह वहीं से आती है, और कुछ वित्तीय कारणों से अभी तक नहीं हो पाई थी, लेकिन 20 और 21 के बीच में करने के लिए वहाँ से एश्योरेंस आया है कि कल या परसों हो जाएगी उनकी। चल रहा है, और पिछले कई समय से दो दो महीने के हमेशा सैलरी पेंडिंग पे ही रखी जाती है। ये वित्तीय संकट आते रहते हैं, कभी कभी उस वजह से हो जाता है, पर हमारे यहाँ से नहीं होता, ये जबलपुर से ही होता है जो कुछ होता है। तो इसके लिए हमारे वित्त नियंत्रक होते हैं, वो लोग बताते हैं कि क्यों नहीं आ पाई ज़्यादातर स्थितियाँ। हम लोगों का काम जैसे हमारे पास आई हमने कर्मचारी को दे दिया, तो हमारे स्तर से इनकी तनख्वाह नहीं रुकी है, जबलपुर से ही रुकी हुई है। अब जबलपुर में क्या कारण रहता है, वो लोग वित्तीय, हमारे वित्त अधिकारी होते हैं, वो लोग निर्धारित करते हैं। तो कल के लिए उन्होंने कहा है कि 20 से 21 के बीच में हो जाएगी।